नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुई, या फिर आपने तत्काल वेटिंग की थी वो कंफर्म नहीं हुई थी, या फिर आपने टिकट कैंसिल की और आपका टाइम 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक आपका रिफंड नहीं मिला, तो आप जो है किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपने पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 139 इतना बिजी नंबर रहता है कि उस पर कभी कॉल लगती कभी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये नंबर जो है हमको अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में ही मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को खोल रखा है और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है अपना पिन डालना है, ये वाला कैप्चा कोड उठा के यहाँ डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मेरा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन हो चुका है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है मोर वाले ऑप्शन पे, राइट साइड कोने में नीचे मोर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला कॉन्टेक्ट अस, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए रेलवे की जो है ईमेल आईडी है, आप चाहें तो इन पे जो है ईमेल भी कर सकते हैं। और ये देखिए कस्टमर केयर नंबर, इसमें ये दो नंबर लिखे हुए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। पहले तो आप एक बार 139 पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि 139 नंबर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो अगर इस पे आपको जानकारी नहीं मिल पा रही तो आप ऊपर वाले दोनों नंबर पर ट्राई करिए, क्योंकि ये नंबर उतना बिजी नहीं रहता, इस पे इजीली बात हो जाती। तो दोस्तों, ये आपको बता देंगे कि आपका रिफंड कब इशू होगा और कितने दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का भी हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है हमसे तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।